हेलो गाइस, सर प्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है अमेजोन फायर स्टिक के ऊपर। जी हाँ गाइस, अगर आप भी अमेजोन फायर स्टिक यूज करते हैं और अगर आपके पास भी है ऐसा रिमोट, और अगर आपका रिमोट वर्क नहीं करता है, बार बार अनपेयर हो जाता है, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने मोबाइल से अपने फायर स्टिक का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपके मोबाइल में जो है फायर स्टिक का रिमोट, कैसे आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं अपने फायर स्टिक को, ठीक है। तो इस बारे में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी देने वाला हूँ, एंड मैं आपको बहुत ही इजीली बता दूंगा कैसे कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन को अपने फायर स्टिक से, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं एंड देखते हैं इस प्रक्रिया को और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेजोन फायर स्टिक का रिमोट आप सभी के सामने है। तो गाइस, इसमें यार बार बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि भैया बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है जी। तो आप देखते हैं ड्यूरासेल की इसके अंदर बैटरी मैंने लगा रखी है। और हाँ गाइस, आपको बता दूं कि भैया जब आप मोटा चीज ले रहे हो तो उसके लिए मोटा खर्चा भी करना पड़ेगा। मान लो आप हाथी ले लिए और हाथी का चारा नहीं दोगे तो कैसे हाथी जिंदा रहेगा। तो ये हाथी तो नहीं है यार, बट हाँ जो भी है, इसका कॉस्टली मेंटेनेंस रहता है, क्योंकि भाई ड्यूरासेल की बैटरी बार बार लगाना यार बहुत तकलीफदायक होता है, क्योंकि भाई इतने में हमारे यार एक किंडर जॉय आ जाएगा, किंडर जॉय खा के खिलौने विलौने लेंगे, बट ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, चलो आपको फटाफट से बताता हूं कि भैया इसका क्या सॉल्यूशन है और कैसे हम इसको मतलब फ़ोन से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पहले अपना डाटा ओपन करना है। डाटा ओपन करने के बाद प्ले स्टोर में जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फायर स्टिक रिमोट, FireStick फायर स्टिक रिमोट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखते हो अमेजोन फायर टीवी नाम से एक एप्लीकेशन है, जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, अपडेट मांग रहा है, तो भैया इसको अपडेट कर देते हैं जिससे कि बढ़िया से वर्क करे। अपडेट होने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा मेरा, सॉरी मैं नीचे कह रहा हूँ, नीचे आएगा आपके फ़ोन में, नीचे ही आएगा। मैं भी इसको नीचे कर देता हूँ कि लगे नया ऐप है। फिर आपको इसको ओपन कर लेना होगा। आप इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं लुकिंग फॉर डिवाइसेस, ऐसे ही आपका इसके अंदर नहीं आ जाएगा, आपको कुछ सेटअप जाके अपने टेलीविज़न में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भैया फटाफट से आपको अपने टेलीविज़न की तरफ लेके चलता हूँ एंड उससे क्या क्या सेटअप करना है आपको पहले वो बताता हूँ, फिर आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा लाइव। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को मैं अपने LCD को होम स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कि आपको इसके अंदर एक क्या सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले आपको इसका सेटिंग ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं मैंने इसका सेटिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको इसको ऑन करके नीचे आना होगा एंड यहाँ पे रिमोट एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आप देखते हैं ये ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस थोड़ा सा नीचे आना होगा एंड यहाँ पे अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड ब्लूटूथ डिवाइसेस आप इस पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट में होम स्क्रीन वाला बटन दबा देना होगा, ठीक है। आपने इतना काम करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्या क्या करना है, ठीक है। अब सारा काम मोबाइल फ़ोन का है, मोबाइल फ़ोन से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के रिमोट को इससे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये है हमारा अमेजोन फायर स्टिक का रिमोट, जो कि अभी वर्किंग नहीं है, ठीक है। यानी वर्किंग का मतलब ये है कि बस इसकी बैटरी खत्म हो जाती है भाई बार बार, इस कारण से मैंने इसको साइड कर दिया है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है कि उसमें आपको अपने LCD में मतलब आपका जिसमें फायर स्टिक कनेक्ट है उसमें क्या सेटिंग करनी है मैंने आपको बता दी है। आपको मैं फ़ोन का सेटअप बताता हूँ कि फ़ोन में क्या करना है। आपको डायरेक्टली अपना फायर टीवी का रिमोट वाला जो है ये ऐप ओपन कर लेना होगा। आप जैसे ओपन करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे सामने ही आपका मतलब आपका जो भी नाम होगा फायर स्टिक का यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे है प्रिंस फायर टीवी, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे कनेक्टिंग दिखाएगा, आपका सामने आपका रिमोट आ चुका है। आप देखते हैं तो आप सिंपली अब इससे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी टीवी का। तो चलिए फटाफट से अपने टीवी की तरफ चलते हैं एंड उसमें आपको दिखाता हूं कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाकी आप देखते हैं भाई वो है हमारा LCD एंड ये है हमारा रिमोट, ठीक है। तो अब आप देखते हैं मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है, मैं जहां क्लिक कर रहा हूं इस पे अब इससे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं अगर कुछ चला भी देता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे होम बटन दबाऊंगा, डायरेक्टली होम पे चला जाएगा। तो गाइस, आप इस प्रकार से अपने फ़ोन से यार अपने फायर स्टिक को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आई हो और अगर आप सीख गए हो कि कैसे अपने रिमोट अपने फ़ोन को रिमोट बना सकते हैं, तो यार जरूर से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर कोई फ्रेंड आपका परेशान हो कि भाई बार बार बैटरियाँ खत्म हो जाती है यार रिमोट बाकी, तो आप जरूर से सजेशन उसको कर दीजिएगा। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।